चला था और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी किया था, इसके बारे में पढ़ा भी था, तो भी मैं यहाँ पे आया हूँ। और अगर आप ऐसे ही आ जाते हैं बिना कुछ किए हुए तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना एक तरफ हो रहा था, दूसरी तरफ समुंदर है, सामने समुंदर है सारा। चलता है इसकी तरफ और मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। चलता हूँ नीचे, अब आपको वो पॉइंट तक, एंड का जो पॉइंट है इसके नीचे समुंदर तक, आपको वहाँ तक लेके जाता हूँ। और एक बार वहाँ पर जाकर फिर इसके बाद वापस चलते हैं, चली चलते हैं इधर भी। ये देखिए लाइट हाउस तो घूम लिया और चलिए बस तो मेरी आ गई, बैठते हैं आज के अंदर। अब ये बस जाएगी जोंसा टेंपल की और जोंसा टेंपल चलते हैं। ये बस रुकेगी यहाँ पे सवारियों को उतार के, बस फिर हमारा नंबर है, इसके अंदर हम चढ़ेंगे। चलिए भाई तिनजोंग टेंपल आगे है 500 मीटर अहेड, तो 500 मीटर चल कर जाना पड़ेगा उस टेंपल को देखने के लिए। चलिए वो भी आज देखते हैं, आज करते हैं उसकी भी सैर। तो ये है यहाँ का तिनजोंग टेंपल, एक बार अंदर आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद वापस चलते हैं। तो ये एक छोटा सा टेंपल है, ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है यहाँ पे। मैंने तो ज़्यादा कुछ नया देखने को मिलेगा यहाँ पे, बट कुछ भी नहीं है इधर देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, हम शायद कुछ दिखे। तो लिखा है कि वहाँ पे आगे फॉरेस्ट है, जंगल है आगे जाने के लिए, बट मैं आगे नहीं जा सकता बिकॉज़ मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यहाँ पे आगे जाने का, बिकॉज़ मेरे साथ तो कोई भी नहीं आया आगे, मैं अकेला जा रहा हूँ यहाँ पे चलता। और मैं सोच रहा कि वापस ही चला जाता हूँ यहाँ से, बिकॉज़ फ़ायदा नहीं है जाने के लिए। कोई अगर साथ में जाता होता तो मैं ज़रूर इस ऑप्शन को चूज़ करता, बट यहाँ पर कोई भी नहीं जा रहा। तो अगर मैं आगे निकल गया और फिर मुझे पता नहीं वापस मैं कितनी देर तक पहुँचूँगा, तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, बिकॉज़ अभी 6 बजे तक ये सारा बंद भी हो जाएगा, फिर वापस नहीं आ जाएगा मेरे से। तो टाइम भी मेरे हिसाब से अगर 6 तो बजने वाले हैं, तो मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी वापस बाहर जाकर, तो मैं फिनिश पॉइंट तक बाहर पहुंच सकूंगा। अगर इधर अंदर चला जाता हूँ तो आने का मुझे कुछ नहीं पता, तो अगर कोई जाता साथ में तो फिर मैं दे सकता था, बट मैं रिस्क नहीं ले सकता इसको। तो बिकॉज़ कल मैंने जुजू आइलैंड के लिए निकल जाना है, तो जुजू आइलैंड से भी आपको दिखाना है, उसका भी आपके लिए ब्लॉग तैयार करने हैं, आपको उधर की भी इंफॉर्मेशन देनी है। तो सही यही रहेगा कि मैं वापस चला जाता हूं और ट्रेन में बैठकर फिनिश पॉइंट तक पहुंच जाता हूं, ताकि मैं वापस इस ब्लॉग को फिनिश कर सकूं। वापस जाने की सोची है बिकॉज यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दिस टू बी प्रोहिबिट एक्सेस टू द मिलिट्री प्रोटेक्शन जोन, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यहाँ पे जाने का, तो इससे अच्छा है कि वापस ही चला जाता हूँ, कोई फायदा नहीं है। चलिए भाई
पहुंच चुका हूं वापस टर्मिनल के पास। अब यहां से अराइवल तक पहुंचूंगा। ये देखिए यहां से स्टार्ट किया था, उसके बाद ऑब्जर्वेशन डेस्क, लाइट हाउस कम्प्लीट, तंजोसा टेम्पल एंड उसके बाद अराइवल। तो ये कम्प्लीट हो चुका है, उसके बाद सीधा ही वापस जाऊँगा। अब फिर वहाँ तक पहुँचते आऊँ और आराम करूँगा, रेस्ट करूँगा, थक गया हूँ यार। सुबह का निकला हूँ तो स्वेट हुए पड़ी है मेरी सारी बॉडी, ये देखिए। तो थोड़ी रेस्ट चाहता हूँ ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो सकूँ। और वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन की, ट्रेन आती है तो बैठ कर फिर चलते हैं अगली तरफ। यार एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने कंफर्म किया कि लेट मैं हो चुका हूँ। अभी 6:30 बज गए हैं, तो लास्ट ट्रेन थी जो वो 5:30 तक थी, तो अब ट्रेन भी निकल चुकी है और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, तो मुझे फिर पैदल ही वापस बाहर निकलना पड़ेगा जहाँ से। और 1300 मीटर है, 1300 मीटर, पता नहीं लास्ट ट्रेन आएगी तो आ गई है अभी से आई थिंक। इस पे बैठ के शायद मैं जा सकता हूँ। पर ये फुल है, देखती ये रास्ता है तो इसीलिए शुक्र करो ये आ गई है, नहीं तो मुझे कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता। बट थैंक गॉड ये लास्ट थी जो ट्रेन नहीं है, सिर्फ ये एक वैन सी है, बस सी है छोटी सी, जो चेक कर रही है कि कोई रह तो नहीं गया लास्ट। अगर मैं अंदर चला जाता पहले बताया था आपको, तो फिर ये भी निकल जाती और मैं फिर रास्ता भटक जाता वहाँ पे। मैंने टाइमिंग बाहर नहीं पड़ी थी, सीधा ही अंदर चला गया था। अब आकर वापस मैंने टाइमिंग पड़ी है तो मुझे पता लगा उसका। इसका खास कर आप ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग का और ट्रेन का और बसेस का शेड्यूल को पहले रीड कर कर ही अंदर जाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अभी तो मैं आ गया हूँ, किस्मत ही, पर हर बात किस्मत भी साथ नहीं देती, तो खास आप भी इसका ध्यान रखिएगा। चलिए बाहर तक तो मैं पहुंच गया। हम मेरा जाने का मन कर रहा है, जो आपको मैं कल बोल रहा था कि उस विलेज के लिए मैं जो बोल रहा था उसका नाम था गेमचन कल्चर विलेज। तो आपने यूरोप में एक जगह देखी होगी शायद, अगर नहीं देखी तो सर्च कर लेना, ग्रीस है यूरोप में एक कंट्री, और उसमें एक जगह है ग्रीस में सिटी है सेंटोरिनी सिटी है, वो सेम जो वो विलेज है गेमचन विलेज जहाँ पे कोरिया में, तो वो सेम दिखने में वैसा है। अगर आपने वो नहीं देखा, सेंटोरिनी सिटी नहीं देखी ग्रीस की, तो ये विलेज देख लीजिएगा, ये सेम ही उसके जैसा है, मिलता जुलता उसका और इसका देखने में आपको सेम ही लगेगा। तो देखता हूँ अगर आप बैठ कर कहीं पर तो उसके बारे में सर्च करता हूँ, अगर ट्रेन या कोई बस हो गई वहाँ तक जाने के लिए, और यहाँ से अगर पास में ही होगा तो मैं जा सकता हूँ वहाँ पे और आपको दिखा सकता हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे सकता हूँ। तो चलते हैं वहाँ पे भी, और पहले मैं देख लूँ फिर आपको बताता हूँ वहाँ पे जाने का सिस्टम क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको गेमचन कल्चर विलेज दिखाऊँगा, बट अभी मैंने देखा कि वो बंद हो चुका है, उसकी भी टाइमिंग 9 से 6 बजे तक की थी और मैं वो नहीं दिखा सकता, मुझे इधर ही काफ़ी टाइम हो गया और ये मेरा बुसन में लास्ट डे है, तो कल जीजू के लिए निकल जाऊंगा, जीजू आइलैंड के लिए। तो ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गेमचन कल्चर विलेज है ये,
तो इसकी टाइमिंग भी देखिए अभी क्लोज आ रहा है शो यहाँ पे, और इसकी टाइमिंग जो थी वो थी आई थिंक यहाँ पे होगी, यहाँ पे नहीं आ रही बट हाँ आ रही है, देखिए मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे फ्राइडे और सैटरडे 9 बज के 6 बजे तक, सेम लाइक हेयर, यहाँ पे भी 9 बज के 6 बजे तक का था और वहाँ पे भी 9 बज के 6 बजे, वो विलेज है उसको टूरिस्ट के लिए वो बंद हो जाता है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, सॉरी भाई, मारना मत, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगा तो वो ज़रूर आपको दिखाऊँगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही, कल आपको जीजू आइलैंड ले चलूँगा और वहाँ की भी इंफॉर्मेशन आपको दूँगा। तो आ गई मेरी बस नंबर 8, तो इसके अंदर बैठना है। क्या करना है।